नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड की बेहद ही टैलेंटेड और होनहार एक्ट्रेस कहे जाने वाली आलिया भट्ट एक के बाद एक कई उपलब्धि हासिल करते जा रही है। आलिया की पहचान अब सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आलिया अब हॉलीवुड की भी फेस बन चुकी है। हॉलीवुड की मूवीज से लेकर वहां के फैशन शो तक में आलिया अपना जलवा बिखेरती हुई दिखाई देती रहती हैं। ऐसे में आलिया भट्ट के हाथ अब एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी लग गई है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अभिनेत्री आलिया भट्ट लग्जरी इतालवी फैशन हाउस गुची की पहली भारतीय ग्लोबल एम्बेसडर बन गई है। वही इस साल मेट गाला में अपना सफल डेब्यू करने वाली आलिया दक्षिण कोरिया के सियोल में आगामी गुची क्रूज 2023 रनवे शो में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पहली बार नजर आएंगे। आपको बता दें कि यह शो आगामी 16 मई को ग्योंगबोकगंग पैलेस में आयोजित किया जाएगा। वहीं इस आयोजन को देश में फैशन हाउस के 25 साल पूरे करने के मौके पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में आलिया भट्ट ने कनिका गोयल लेवल द्वारा कस्टम मेड ब्लेजर और पैंट के साथ गुची शर्ट में अपनी कुछ शानदार तस्वीरें भी साझा की थी। वहीं मेट गाला 2023 में आलिया ने अपने डेब्यू लुक से हर किसी को दीवाना बना दिया था। मोतियों से बने व्हाइट कलर के गाउन में आलिया किसी परी से कम नहीं दिख रही थी। बता दें कि आलिया के इस ड्रेस में 1,00,000 मोतियां जड़ी हुई थी। वहीं आलिया अब जल्द ही हॉलीवुड में भी डेब्यू करने जा रही है, जहां एक्ट्रेस की फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ आलिया करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी जल्द ही दिखाई देने वाली है, जिसमें आलिया के साथ रणवीर सिंह भी लीड एक्टर के तौर पर नजर आने वाले हैं। इसी के साथ आलिया भट्ट इन दिनों अपने प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल यानी कि अपने मदरहुड को भी एंजॉय करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सबसे हटकर आपको आलिया भट्ट का मेट गाला वाला लुक कितना पसंद आया था, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब आपकी इसी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।